गुरु प्यारी गुरुस्वारी साध संगत जी फतेह प्रवान करो। गज वज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं तकरीबन 300 किलोमीटर तो आया तो फतेह बड़ी ढिली आई है। मैनू लगता भी हजे संगत ने लंगर छकया नहीं गा। तो उची आवाज आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इश्तहार च समा 15 मिनट है तो दिता 10 मिनट। आप समय की सीमा है, बुलारा उही है जिहड़ा छोटे टाइम में अपनी गल समाप्त कर जाए। आप समूह सिख संगतां नूं मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां होण जी। मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी जदों उन्होंने पहली जंग अमृतसर की लड़ी, उहदे विच जा के सिखां ने बेनती की गुरु साहब जी नूं कि जिहड़े शस्त्र पठाणा तो जां मुगलां तो खरीदे जांदे ने उह बड़े माड़े किस्म दे शस्त्र बणांदे ने ते जंग दे विच उह शस्त्र टुट जांदे ने। तां फिर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने बाबा लखी शाह वणजारा जी, जिन्हां दा पहला नाम लखी राय है, लखी शाह वणजारा बाद विच लिखिया गया, क्योंकि बाबा लखी शाह वणजारा की ड्यूटी लाई कि कोई ऐसा कारीगर भेजो साढ़े कोल अमृतसर जिहड़ा शस्त्र बना सके। ते बाबा लखी शाह वणजारा जी ने भाई केर सिंह राठौर नूं भेजिया सीगा शस्त्र बनाण दे लई। ते बाबा लखी शाह वणजारा जी मुगल हकूमत होर कई ऐसियां उस समय दी संगठनां नूं हथियार भी सप्लाई करते सन। जिथे वो राशन सप्लाई करते सी उत्थे हथियार भी सप्लाई करते सीगे। और ये जो दिल्ली का राजपुरा पंजाब तो लैके जमुना पार का इलाका है, इत्थे बहुत सारे शिकलीगर सिख अते राजपूत सिख रहिंदे सन। शिकलीगर सिख शस्त्र बनाने का काम करते सीगे। ते बाबा लखी शाह वणजारे का व्यापार इतना वड्डा सी कि उस कोल 3 लाख लोग नौकरी करते सीगे। किन्ने लख जी? उच्ची आवाज बोलो जी। 3 लाख लोग नौकरी करते सी बाबा लखी शाह वणजारा कोल। और उस वक्त समय दे बादशाह ने गल आखी सी बाबा लखी शाह वणजारा नूं कि असी तुहानूं कुछ सरकार वालों पैसे देना चाहते हैं कि तुहाडे कोल जिहड़े लोग नौकरियां करते ने। ते बाबा लखी शाह वणजारा जी ने कहा सी कि सरकार की इन्नी हैसियत नहीं कि मेरे काम करने वाले भरावां नूं तुसीं पैसा दे सको, क्योंकि अगर सैकिंड डिफेंस अगर किसी कोल सीगा तो बाबा लखी शाह वणजारा कोल सीगा। ते साध संगत अज दा अंबानी अडानी नूं तुसीं मानता दिओगे, लेकिन याद रखना 3 लाख तो वध ऊठ घोड़े खच्चरां ते बाबा दा व्यापार चलदा सीगा। हर 10 किलोमीटर ते उह खूह पटवांदे सन और जिथे पानी पीण दी सुविधा हुंदी सीगी। टांडा कहा जांदा हैगा जिहड़ा व्यापारक गड्ढे चलते हैं। तो साध संगत फिर गुरु हर राय साहब जी का जदों समा आया तो कीरतपुर की मीटिंग च बाबा लखी शाह वणजारा भाई माईदास भाई मनी सिंह के पिता तो बाबा मक्खण शाह लुबाणा नूं बुलाया गया। कहिंदे कि आपां कोई इस तरह की जमीन खरीदीए कि आने वाले समय के विच उह सिखां दे काम आ सके। तो याद रखना जिहड़ा मुगलस गल का किला है ये आस पास जे 75 पिंड बाबा लखी शाह वणजारा ने पैसे दे के आप खरीदे सन। राजपुरे तो लैके जमुना पार की ये सारी जमीन जिहड़ी है जदों तुसी पुराने स्रोतों नूं पढ़ोगे जां रोज़ नाम चे वही खाते मुगल हुकूमत दे फोल के देखोगे ये सारी दी सारी किहदे नाम ते है? बाबा लखी शाह। उच्ची आवाज बोलो जी। लखी शाह वणजारा जी दे नाम ते है। अज जे डालूवाला विखे तुसी ये समागम कर रहे हो ते दिल्ली दे विच बाबा लखी शाह वणजारा हाल बनिया, कदे तुसी उत्थे सोचिया भी असी उत्थे प्रोग्राम कर सकीए? अज बाकी दियां कम्यूनिटियां ने बाकी दियां जथेबंदियां ने अपने जरनैलां दे पुतले ला दिते, पर जिस शख्स दे बाबा लखी शाह वणजारा जी दे
दो पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल जंग में शहीद होए ने, पांच पुत्र बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल शहीद होए ने, 17 पोतरे सिख मिसलां च शहीद होए ने, ते 24 पड़पोते शहीद होए ने, ते 10 दोतरे सिख कौम लई शहीद होए ने। की तुसी उन्हां दा कोई पुतला कोई स्टैचू बनाया, कोई बुत बनाया कि आउण वालियां पीढ़ियां तुहाडियां देखणगियां भी ये कौन सन? कहिंदा कदे बनदे नहीं। इतिहास इस गल्लों के असी बहुते राजिआं दे पूर जम्मे, आउण वालियां नसलां ने पुछना है किहड़ी कौम ने बहुते मनसूर जम्मे, तुहाडियां आउण वालियां पीढ़ियां ने पुछना है कि ओह कौन सन। ते साध संगत, दिल्ली दे अंदर कनाट प्लेस जिहड़े ये VIP अज इलाके ने, इन्हां दीआं अज वी रजिस्ट्रियां बाबा लखी शाह वणजारा जी दे नाम ते बोलदियां ने। पर बदकिस्मती है राजपूत कौम दी, वणजारे तां दित्ता गया बल्कि राजपूत कौम सी। कदे इतिहास पढ़े हो जे, अज जे तुसी 1.5 लाख दी टिकट ला के अमरीका तू डालू वाला तां आ गए, पर साडी कौम ने यह नहीं सोचिया कि 2-2.5 लाख रुपया दे के किसी राइटर तू बाबे दी किताब ही बनवा लईए। अज तुसी बाजारां च चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, पटियाले चले जाओ, अमृतसर चले जाओ, बाबा लखी शाह वणजारे दे नाम ते तुहानूं किताब नहीं मिलेगी और ना ही कोई लिखी गई है। मैं किताब खरीदन गया पटियाले च एक हफ्ता पहला, ते मैं दुकानदार नूं पुछिया जी बाबा लखी शाह वणजारा जी दी कोई बुक है किसी राइटर दी? उन्हें कहा नहीं। 27 दुकानां ने किताबां दीआं, किसी तो किताब नहीं मिली। फिर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऑफिस च गया बुक स्टाल, तो उतों भी किताब नहीं मिली। तो एक जेतु मैं किताब खरीदन गया, वह कहिंदा लखी शाह वणजारा उही ने कि जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर जी का अंतम हाँ जी संस्कार किया, इस तू इलावा कुछ नहीं पता गा, इस तू इलावा कुछ पता ही नहीं गा। मैं क्या तुहानू नहीं पता गा उन्होंने की किया है, क्योंकि असी वो समर्थ नहीं हो सके, असी लिखा नहीं सकेंगे। भाई सुबेग सिंह जी ना 3 साल पहले मेरी गल हुई सी कि आपां कुछ किताबां लिखिए, आने वाले अपने नौजवानों अपने बच्चों अपनी कौम को दस सकीए। आज भी पंजाब के राजपुरे दे विच राजपूत लोग रहिंदे ने और बाबा लखी शाह वणजारे के नाम से सरां बड़िया हुई ने। एडा वड्डा जिस कौम के जरनैल का महान शख्स का पसारा होवे, जिस दे पोतरे जिस दे पुत्र शहीद होए होण, उस लई तुसी कोई किताब ना लिखा सको, ये बड़ी नमोशी की गल है। तो जिहड़ी मुगलसगढ़ का किला बाबा लखी शाह वणजारा ने बनवाया सीगा, वो सिख कौम की पहली राजधानी किला बनिया सी, याद रखना। जिहड़ा किला बाबा जी ने बनवाया सी सिख कौम की पहली की बनिया जी? हाँ जी, उच्ची आवाज़ बोलो जी, राजधानी बनिया। देखो जे गल समझ आए कथा, नहीं तो रोला ही है, होर कुछ भी नहीं है। मैनू तो इन्ना की समझ आया है। समय की समाप्ति है, 10 मिनट का समय है। तो साध संगत, ओ मुगलसगढ़ बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जदों राजधानी बनाया, तो बाबा लखी शाह वणजारे तो जेडे वणजारे सिख श्रीगढ़ सिख परिवार उस किले दे विच हथियार प्रोवाइड करवाते रहे, ता ही ये खालसा राज बनया। वो उस ही किले दे विच मोर चलाई गई सी गुरु नानक दे नाम दी, उहदे ते लिखिया गया देगो तेगो फतेहो नुसरत बेदरंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। उस राजधानी दे अंदर सिक्के चलाए गए सन। सो गुरु महाराज कृपा करे साडियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं समझ लगे, असी अपने उन्हां महान पुरखियां दा ये दिन मनाइए, असी कोई शताब्दी मनाइए। सारी जिथे कल तुसी मीटिंग रखी है, उस मीटिंग च ये भी सोचो कि एक अच्छा राइटर हायर करके कोई किताबां लिखाइया जान, तां जो पता लग सके, गुरु बख्शिश करन। सो जिथे सानू अज अच्छे गुरद्वारियां दी लोड़ है, उत्थे अज अच्छे स्कूलों की भी बोलो जी लोड़ है। सो वी आल नो गुरद्वारा आर वेरी इंपोर्टेंट टू अस इन टूडेज टाइम। वी आल्सो नीड टू बेड गुड एंड एजुकेशन स्कूल्स हॉस्पिटल फॉर द वेलफेयर ऑफ अवर कम्युनिटी। आई वुड लाइक द चिल्ड्रन ऑफ अवर कम्युनिटी टू बी वेल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। मैं चाहुंदा हाँ कि मेरी सिख कौम के बच्चे पढ़े लिखे होण, ना कि वह रिक्शे चला के रेहड़ियां ते सब्जियां वेच के गुजारा करन, क्योंकि लिखिया हुई किताबों के राजपूत कौम नू जराइम पेशा कौम का किताब दिता गया
और अमीर कौम नूं थल्ले किवें लैके आंदा गया, इन्ना समा नहीं कि विस्तार सहित मैं बयान कर सकां। सो सानू आउण दी लोड़ है, विचारां करन दी लोड़ है। सारी संगत दा, भाई सुबेग सिंह जी दा, होर आए पतवंते सज्जणा दा, सारिआं दा धन्नवाद। बुलाओ फतेह आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।